आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरें। म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के आखिरी रोज बेशतर मकामात पर शाम तक नामजदगियां दाखिल की गईं। तेलंगाना के वजीर आईटी व सनत के तारक रामा राव ने मरकज पर जोर दिया कि दिल्ली मुंबई सनती राहदारी की तर्ज पर हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई को मरबूत करने वाले साउदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी जाए। साफ सफाई के मामले में अच्छे नतायज हासिल करने पर पेद्दापल्ली जिले को कल स्वच्छ दर्पण अवार्ड हासिल होगा। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया 2020 के तीसरे एडिशन का आज शाम बड़े पैमाने पर आगाज होगा। अब खबरों की तफसील। म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के आखिरी रोज बेशतर मकामात पर शाम तक नामजदगियां दाखिल की गईं। तवक्को है कि नामजदगियों की तादाद 6000 से तजावुज कर सकती है, क्योंकि कल तक 5679 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए थे। पर्चों की जांच कल की जाएगी और उसी दिन जायज पर्चों की फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। इस महीने की 14 तारीख तक पर्चे नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। इसी दौरान इस महीने की 22 तारीख को मुनाकिद होने वाली राय दही के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन के हुक्काम तैयारियों में मसरूफ हैं। कांग्रेस ने आज इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत और रियासती इंतखाबी कमीशन ने बल्दी इंतखाबात पर गैर मुनासिब मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से उठाए गए मामलों को नज़रअंदाज किया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और टीआरएस की आपस में मुफाहमत है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस ने किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया है। तेलंगाना के वजीर आईटी वसनत के तारक रामा राव ने मरकज पर जोर दिया कि दिल्ली मुंबई सनती राहदारी की तर्ज पर हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई को मरबूत करने वाले साउदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी जाए। केटीआर ने रियासत के लिए मजीद दो सनती राहदारियों हैदराबाद और नागपुर के बीच और हैदराबाद और वारंगल के दरमियान कायम करने की वकालत की। गुज़िश्ता शाम मरकजी वजीर सनत व तिजारत पीयूष गोयल के साथ एक इजलास के मौके पर केटीआर ने बजट 2020-21 में फंड्स मुख्तस करने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तजावीज पेश की। मरकजी वजीर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा तजावीज की बुनियाद पर एक तफसीली रिपोर्ट उन्हें पेश की जाए। सीबीआई की खसूसी अदालत ने गैर महसूब असासजात मामले में आज आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के केस की समाअत की। वजीर आला के अलावा विजय साई रेड्डी, रुकने असेंबली धर्मन प्रसाद राव और आईएएस अफसर श्री लक्ष्मी भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के बाद कोर्ट ने इस केस को इस महीने की 17 तारीख तक मुलतवी कर दिया। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस में अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना तलब किया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली में खसूसी सीबीआई अदालत में हाजिरी के लिए आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 30 मई को वजीर आला के ओहदे का जायज़ा लेने के बाद ये पहला मौका था कि जगन मोहन रेड्डी अदालत में हाजिर हुए। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। साफ सफाई के मामले में अच्छे नतायज हासिल करने पर पेद्दापल्ली जिले को स्वच्छ दर्पण अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब किया गया है। कम्युनिटी टॉयलेट्स की तामीर, बैतुल खलाओं का 100% इस्तेमाल, रेन पिट्स, कचरे की निकासी का मौसर निज़ाम और साफ सफाई के मामले में लोगों में शऊर बेदार करने पर पेद्दापल्ली को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ज़िला कलेक्टर श्री देवासेना कल दिल्ली में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में ये अवार्ड हासिल करेंगी। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता के मामले में ज़िले को अब तक 3 कौमी अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं और ये मुकामी अवाम और अवामी नुमाइंदों की शराकत से मुमकिन हो सका है। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया 2020 के तीसरे एडिशन का आज शाम बड़े पैमाने पर आगाज होगा। मुल्क भर से तकरीबन 6500 एथलीट्स 20 मुख्तलिफ खेलों में
अंडर 17 और अंडर 21 जुमरों में हिस्सा लेंगे। असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू और कई स्टार खिलाड़ी इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेंगे। इन खेलों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अविनाश जोशी ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना से 38 खातून खिलाड़ियों समेत 114 खिलाड़ी 19 इवेंट्स बशमूल खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, शूटिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर के नरसैया ने एआईआर को बताया कि गुज़िश्ता साल जनवरी में पुणे में मुनक़िदा खेलो इंडिया मुकाबलों में रियासत को 17 तमगे हासिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार मज़ीद मेडल्स हासिल होने की तवक्को है। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के बैनर तले आज हैदराबाद में शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई। नमाज जुमा के बाद ईदगाह मीर आलम से रैली का आगाज हुआ, जिसमें 40,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन में खवातीन, बच्चे और नौजवान भी शामिल थे, जिनके हाथों में कौमी परचम था और शास्त्रीपुरम तक रैली निकाली गई। रैली के पेश नज़र सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था और कई मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी समेत कई लीडरों ने इसमें हिस्सा लिया। पुराने शहर में दुकानें और दीगर तजारती मराकज बंद रहे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मकर संक्रांति के मौके पर 13 से 15 जनवरी को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़िद किए जा रहे इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल 2020 में 15 ममालिक से पतंगबाजों की शिरकत मुतवक्को है। रियासती महकमे सयाहत की जानिब से आज जारी करता एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि हुकूमत इस साल भी जोश व खरोश के साथ ये त्यौहार मनाएगी। इस फेस्टिवल के दौरान कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर पतंगें, मुख्तलिफ अकसाम के पकवान और इलाकाई फनून लतीफ़ा की झलक देखने को मिलेगी। पतंगबाजी फेस्टिवल में 15 ममालिक से 40 और मुल्क भर से 60 पतंगबाज शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक रसाई चंद तहदीदात के साथ दफा 19 के तहत बुनियादी हक में शामिल है। अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी कि यूनियन टेरिटरी में आए तमाम पाबंदियों पर अंदरून एक हफ्ता नज़रसानी की जाए। जस्टिस NV रमन्ना की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा कि अहम खिदमात फ्राहम करने वाले इदारे जैसे अस्पतालों और तालीमी मराकज में इंटरनेट खिदमात बहाल की जाए। बेंच ने कहा कि सहाफत की आज़ादी कीमती और मुकदस हक में शामिल है। अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद आयद पाबंदियों को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत की। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट के इन अहकाम का खैर मकदम किया, जिसमें अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद 5 अगस्त से वहाँ पर इंटरनेट और दीगर मवासलाती निज़ाम मुअत्तल रखने पर मरकजी हुकूमत की सरजनिश की। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के आखिरी रोज़ बेशतर मकामात पर शाम तक नामजदगियाँ दाखिल की गईं। तेलंगाना के वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने मरकज पर जोर दिया कि दिल्ली मुंबई सनती को राहदारी की तर्ज पर हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई को मरबूत करने वाले साउदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी जाए। साफ सफाई के मामले में अच्छे नतायज हासिल करने पर पेद्दापल्ली ज़िले को कल स्वच्छ दर्पण अवार्ड हासिल होगा। और असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया 2020 के तीसरे एडिशन का आज शाम बड़े पैमाने पर आगाज होगा। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।